मैं ब्रह्मपुर मेला में गया था, वहाँ इंडिया भर के लोग घुड़सवार आए थे और एक घोड़ा उस मेला के अंदर घुड़सवार को पटक कर छूट गया था और मेला में आतंक मचाया था। घुड़सवारी का शौक था या बाद में? 13 साल की उम्र से मैं घुड़सवारी शुरू किया था। मात्र 13 साल में? जी, घोड़ा अकेले खरीद के बदमाश घोड़ा लाया था मैं उस समय। बदमाश घोड़ा खरीदते थे? जी, बदमाश, दुनिया का सबसे बदमाश घोड़ा जो था। महाराज जी ने हमको 1100 रुपये प्रदान किए, प्राइज दिए थे, मनु महाराज SP। इसी में नौकरी मैंने छोड़ दिया, ITI किया हूँ मैंने, घोड़ा के चलते नौकरी नहीं किया। नौकरी भी छोड़ दिया? नौकरी छोड़ दिया, 5-5 को नौकरी हुआ था हमारा, लेकिन सब छोड़ दिए घोड़ा के। तो अभी रोहतास जिले के ऐतिहासिक गांव दरिहट गांव में, और आज हमारे साथ ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनका कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अगर आप दरिहट गाँव में आएंगे और पूछेंगे कि राजेंद्र सिंह का घर कौन है, तो शायद आपको परेशानियों का झेलना पड़े, लेकिन अगर आप कहेंगे कि राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले के घर कहाँ है, तो मान सम्मान के साथ आपको उनके घर तक लोग पहुँचाएंगे। आइए हम बात करते हैं इस शख्स से, जो ऐतिहासिक शख्स है, जिसका काम और कार्य इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कि क्यों इनको राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले कहते हैं। सबसे पहले चाहते तो हम आपको प्रणाम करते हैं, चलो स्पष्ट करते हैं। खुश रहिए। आप ये बताइए कि आपको राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले लोग क्यों कहते हैं? हमको इसलिए घोड़ा वाले लोग कहते हैं कि मेरा उम्र 18 साल का था, मैं ब्रह्मपुर मेला में गया था, वहाँ इंडिया भर के लोग घुड़सवार आए थे और एक घोड़ा उस मेला के अंदर घुड़सवार को पटक कर छूट गया था और मेला में आतंक मचाया था, कोई घोड़ा धरने वाला नहीं था उस घोड़ा को। मैं 18 साल की उम्र में उस घोड़ा का सवारी किया और चढ़ा आ काबू में किया। इंडिया भर के लोग उसमें मेला में जुटे हुए थे और मैंने 1.5 घंटा में घोड़ा को कंट्रोल करके दिखा दिया मेला को। सवारी किए थे? हाँ, उस पर सवारी हमने किया था और 1.5 घंटा तक उससे मचहल लड़ाई हुआ, उसको लाइन पर ला कर खड़ा कर दिए। ये आरा जो पास ब्रह्मपुर है, वही ना ब्रह्मपुर मेला? ब्रह्मपुर चौरास्ता मेला लगता था। हाँ, इंडिया का सेकंड मेला ब्रह्मपुर, सोनपुर फर्स्ट मेला है। ब्रह्मपुर मेला का ये हाल है, 1978 का, उम्र मेरा 18 साल था। तो उसी समय से आपको राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले लोग कहते हैं? हाँ, उसी समय से भीड़ जुट गया है। कहाँ का बोलने का भाषा अलग अलग होता है, लड़का समझ कर लोग कुछ बोलता था कि आदमी है, कहाँ का लड़का है, कहाँ का। हम उस समय मेरा थाना डेहरी ऑनसोन था। अच्छा। और डेहरी ऑनसोन से मैं अपना परिचय बताया, डेहरी ऑनसोन मेरा गांव दरिहट, मैं कैलाश बिहारी सिंह का लड़का हूँ और घुड़सवारी करता हूँ। बचपन से ही आपको घुड़सवारी का शौक था या बाद में? 13 साल की उम्र से मैं घुड़सवारी शुरू किया था। मात्र 13 साल में? जी, घोड़ा अकेले खरीद के बदमाश घोड़ा लाया था मैं उस समय। बदमाश घोड़ा खरीदते थे? जी, बदमाश, दुनिया का सबसे बदमाश घोड़ा जो था, एक मोर में घोड़ा था, अकोड़ी थाना पड़ता है, मोर पैसरा उसको कहते हैं, भूमियार का घोड़ा था, सुभग राय का, 2 साल से सीकर में बांधा हुआ था। उस घोड़ा को सवारी कर मैंने अपने गांव दरिहट लाया। सीकर में बांधा था घोड़ा? हाँ, सीकर में घोड़ा बांधा था, अपना देह फाड़ लिया था नाथ से काट कर, उस घोड़ा को मैंने लगाम चढ़ाया और अकेले लेकर आए। कहते हैं कि शेर की सवारी और घोड़ों की यारी सभी लोग नहीं कर सकते हैं, और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, अभी तो उम्र हो गया है, जब ये उफान पर थे, जब कहते हैं कि जब इनकी जवानी थी, तो शायद ये ऐसा जवार का घोड़ा था जो आपसे बचा हुआ था, सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि भोजपुर और रोहतास के बच्चा लोग जानता है कि राजेंद्र सिंह दरिहट घोड़ा वाले। अभी भी मेला मालिक मार्कंडे सिंह का लड़का अशोक सिंह है जो कहता है भैया हमारे पीछे चलता है मेला मालिक। जब आदर्श ग्राम पंचायत रेट की इतिहास की बातें आएंगी और आती है, तो राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले को नाम मान सम्मान से लोग लेते हैं, और कई बार इन्होंने अपने सील कहाँ जीता है? जय दौड़ होता था, घुड़सवारी होता था, तो आपने कहाँ सील जीता है? अकोढ़ी थाना से सील मैंने जीता 9 में, 10 में सील जीता नहावना में, मेरा घोड़ा जीता उसमें। 12D का घोड़ा शंभू सवार आया था, उसको हरा कर मैंने प्रथम प्राइज प्राप्त किया था, और अपने गांव पंचायत का नाम रोशन किया। अपने ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया था। मेरे पास अभी भी सील्ड है, लेकिन अब हार्ट का बीमारी हो गया है, इसलिए अस्वस्थ थोड़ा हो गए हैं, इसलिए घोड़ा अभी छोड़े हैं हम।
कितना आनंद महसूस होता है जब आज भी आप गांव जवाब में जाते हैं और कहते हैं कि राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले आ गए, और तो कितना अद्भुत आपको शरीर। अभी ऑपरेशन कराने के बाद लास्ट में मैं एक घोड़ा पर चढ़ा हूँ जिसका फिगर आपके पास है। दिखा है। हाँ, 11 घोड़ा था, उसमें मैं आगे वाला घोड़ा पर था। तो मरने के उपरांत मैंने सोचा कि राजेंद्र सिंह घोड़ा पर चढ़े ही हैं, घोड़ा पर चढ़े हैं अभी आज के डेट में, मतलब बहुत जल्द चढ़ा हूँ। कहते हैं कि घोड़ा की सवारी करना, घोड़ा रखना सबकी बात नहीं होती है, बहुत मेहनत होता है। अपने बेटे की तरह पालते हैं, कितना परिश्रम करते थे और घोड़ा को अपने यहाँ रखते थे? घोड़ा घुमाते थे, खिलाते थे, भैंस रखते थे, दूध पीते थे, घोड़ा पर चढ़ते थे। कहीं भी होता था तो राजेंद्र सिंह आ गया बाबू, अब किसी का नहीं चलेगा। SP मनु महाराज थे गोड़ारी में, मैं एक घोड़ा पर चढ़ा था, वो भारत दर्शन बस मालिक का घोड़ा था, जिन्होंने फर्स्ट किया। मनु महाराज जी ने हमको 1100 रुपये प्रदान किए, प्राइज दिए थे। मनु महाराज SP गोड़ारी में प्रोग्राम था हाई स्कूल के फील्ड में, यानी कि जहाँ जाते थे वहाँ आप छा जाते थे। कहीं भी जाते थे तो मतलब राजेंद्र सिंह आ गए तो हमको अपना बचना चाहते थे, कहीं बचे भाई, सबका इज्जत है, नहीं तो हम जब चढ़ जाते थे तो राजेंद्र सिंह वहाँ रहेगा, दूसरा कोई रहेगा नहीं। ऐतिहासिक गांव रहा है और हमारा जो दरियत गांव है वीरों की धरती रही है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे बाहुबली पैदा हुए थे, उसमें भी आप एक भी हैं। तो कब लगा कि आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और घोड़े की सवारी करने लगे शुरू? इसी में नौकरी मैंने छोड़ दिया, ITI किया हूँ, मैंने घोड़ा के चलते नौकरी नहीं किया। नौकरी छोड़ दिया। 5-5 को नौकरी हुआ था हमारा, लेकिन सब छोड़ दिए घोड़ा के प्रेम में। इतना घोड़ा से प्रेम करते थे? इतना प्रेम करते थे। घोड़े के प्रेम के चलते अपने घोड़सवारी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया। कितने सालों तक आप घोड़ों के साथ दोस्ती रखते रहे, लगातार घोड़सवारी करते रहे? 52 साल तक की ये घोड़सवारी, यानी कि 18 साल में थे, 52 साल किए आपका उम्र? नहीं, 13 साल के से घोड़सवारी कर रहे हैं। अच्छा, 18 साल में प्राइज जीते थे? 18 साल में मेला, ब्रह्मपुर मेला का प्राइज जीते थे। और एक कमता चौबे सवार हैं जिन्होंने ब्रह्मपुर मेला के अंदर ही घोड़ा उनको पटक दिया, नामी सवार हैं, मतलब उनको 5 प्रांत में लोग जानता है, उनको पटक दिया। तो हम उनको गुरु समझते थे, लेकिन हम उस गुरु जी का अपमान नहीं सहे और उस घोड़ा को पर भी चढ़े वहाँ मेला में, और उसको भी कंट्रोल करके दिखा दिए। ब्रह्मपुर मेला का बात है ये। अब तो घोड़सवारी भी कम हो गई, अब तो इक्के दुके आपके क्षेत्र में घोड़े भी होंगे और आरा तरफ तो घोड़ा रहता है। हाँ। आप अगर तुरुस्त घोड़ा देखते हैं तो मन में आपको खलबली मचती है कि नहीं? आज भी हम चाहते हैं कि सबसे सीनियर हम ही हाकेंगे, लेकिन घर से बरजा लोग है कि मत चढ़ो, हार्ट का ऑपरेशन खुल जाएगा, इसलिए थोड़ा डरते हैं। चढ़े जरूर, मन में उत्सुकता बढ़ जाती है। हाँ, देखते हैं तो बढ़ जाती है। वहाँ देखे घोड़ा, हम चढ़ गए तुरंत सबसे सीनियर घोड़ा पर। कभी आपको ऐसा लगा कोई घटना वगैरह याद है जहाँ घुड़सवारी कर रहे थे और गिरना पड़ा हो, या आप पूरा आवेश में थे कि जितना ही है, कोई ऐसा आपको आपके यादगार है आपके दिमाग में कि आप गए थे, काफ़ी भीड़ था और उस समय घोड़े का बेकाबू करना था, आपने किया था, वो एक याद है दृश्य आपको? हाँ, दृश्य याद है कि ब्रह्मपुर मेला लगा हुआ था, मेरे पास घोड़ा था, 13 साल की उम्र था, 14 साल में हम मेला में गए। हेमराडी एक गाँव है, बिकाऊ जादव हैं, लखनऊ से घोड़ा लेकर आए थे और उनको फाड़ दिया पूरा बदन, घोड़ा मार के पटक दिया, छूट गया वो भी घोड़ा। 14 साल की उम्र में उस ब्रह्मपुर में चढ़े और उसी टाइम से हमको लोग जान गए कि राजेंद्र सिंह दरिहट। उम्र भी हो गई आपकी और आप तो आराम भी कर रहे हैं, समाज सेवी हैं, आप लोगों से क्या अपील है, कितना मान सम्मान मिलता था आपको और आज कितना मान सम्मान मिलता है गांव से आपको? अभी मधु तिवारी का 10 बस चलता है, वो रेकड़ी घोड़ा खरीदते हैं, ब्रह्मपुर चौराहा पर उनका घर है, बस चलता है 20-30-40 ठो। दैव तिवारी उनका भाई है, उनको भी पराजित किए हैं उस ब्रह्मपुर मेला के अंदर। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, ग्राम दरिहट, थाना उस समय डिहरी था।
आज भी लोग जो घोड़ा वगैरह का शौकीन है आपसे पूछताछ करते हैं, किसे घोड़ा ले ही चलाई ना ली, पूछते हैं आज भी? सब कोई आके प्रणाम करता है, घोड़ा वाले जितने लोग जवार के इस रोड से पास करते हैं, हमारे रोड से डेहरी वगैरह जाते हैं, सब हमारे पास आके चाय पीते हैं, चाचा चाचा भैया भैया सब करते हैं, सब प्रणाम करते हैं। अभी जिसको घोड़ा का दर्द उर्द हो जाता है, चाहे कोई दिक्कत होता है, पैखाना नहीं होता है, पेशाब नहीं कर रहा है, तो आके हमसे राय लेते हैं, दवा बीरो का बात में। उम्र से और जीवन से कभी आपको मलाल हुआ कि नहीं कि शायद एक दो साल और घुड़सवारी कर लेते तो और बड़ा इतिहास लिख देते? हमको तो अभी मन है कि मरते दम तक हम करें, लेकिन मजबूरी भगवान का है कि जो मेरा ऑपरेशन हो गया और मैं बैठा। ख्वाहिश खत्म नहीं हुआ? ख्वाहिश खत्म नहीं होगा। उम्र क्या हो गया आपका? उम्र 70 साल। लेकिन अभी भी ख्वाहिश खत्म नहीं हुई? ख्वाहिश खत्म नहीं हुई मेरा, घोड़ा से इतना अभी प्रेम है कि मरते दम तक नहीं छूटेगा। जब भी रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे तो देखेंगे, चढ़ ही जाएंगे, सटेंगे, पकड़ लेते हैं, कोई बरजता है कि मत पकड़िए, ये सब बहुत बढ़ियार जात है, हमने हमारे ऊपर बढ़ियारी कोई नहीं घोड़ा करेगा, ताकत रखते हैं पकड़ने का। राजेंद्र सिंह नाम है हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, और 70+ इनकी उम्र हो गई है, और कहते हैं कि दौड़ता हुआ घोड़ा और दौड़ता हुआ इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है। और देखिए इस शख्स को पूरा जिंदगी का है तो अपने घोड़सवारी में लगा दिए, और बीमारी के कारण अब अस्वस्थ हैं, घोड़सवारी नहीं करते हैं, लेकिन अपनी पहचान, अपना जुनून, जीता हुआ शील्ड अपने आदर्श ग्राम पंचायत दरिहट के इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है, और बड़े ही लोग मान सम्मान के साथ इनका नाम लेते हैं, राजेंद्र सिंह घोड़ा वाले। हम भी मान सम्मान करते हैं, लोग भी मान सम्मान करते हैं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और आगे इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए ऐसे एक बार और किसी शख्स के साथ मिलवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।